सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निजा व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज है जी चांद रात, तो आप सबको चांद रात बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। और आज हज होंगे, तो आप सबको हज मुबारक हो। और जिन्होंने भी किया है अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल करे, और जो नहीं कर पाए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी ऐसा दिन लाए कि वो हज करें, और हमारे और आपके माँ बापों को भी हज नसीब हो। आमीन सुमा आमीन, और हमें भी हो आमीन। तो गाइज आज बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि चांद रात है, और आज हमें बकरे को नहलाना भी है, तो वो भी अभी नहलाएगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। और बहुत सारे काम है। अभी अम्मी मार्केट गई हैं मसाले लेने, जैसे वो आएंगी क्या क्या लाती हैं वैसे मसाले लेने गई हैं। और मैंने उनसे चूड़ियाँ मंगाई तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और गाइज आज फादर्स डे भी है, तो हैप्पी फादर्स डे आप दुनिया के सारे पापाओं को, और पापा आपको भी हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू सो मच हमारा इतना ख्याल रखने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए, क्योंकि बाप के बिना ज़िंदगी कुछ नहीं होती। मेरा तो ऐसा ही मानना है, बाकी आप सबका क्या मानना है कॉमेंट में बताना। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो, और जिन्होंने कर रखा है उनका दिल से शुक्रिया है। चलो मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। रुपए किलो है पत्ता, पता नहीं क्यों कर रखे है इतना भाई। आज आज कर एक जना बेच रहा 75 रुपए किलो। पूरी खा रहा है नोनी। क्या खा रही हो आप? नोनी जूता खाने के बाद पूरी खा रही है। नोनी पूरी खा रही हो आप? नोनी ये देखो हमारे घर की शाबाश बेटी है, ये पूरी भी खाती है, सब चीजें खा लेती है ये। मतलब पहले हम इसे दे रहे थे जब इसका मन नहीं था, अब ये आया किचन में वहां से उठाई और इसने खाना शुरू कर दिया। तो गाइस हमने अपने बकरे को नहला दिया है, नहला सॉरी, ठंड लग रही है इस वजह से, हवा चल रही है अब फिर से, इसे ठंड लग रही है, कप कप आ रहा है। मैं आ गई मार्केट से, तो मम्मी ये सब सामान लेने गई थी, मतलब मसाले वगैरह लेने गई थी। तो ये देखो विनेगर, ये सब चीज़ें लेकर आई हैं मम्मी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या लाए हैं। सो गाइस तो ये खाला की चूड़ियाँ मंगाई है इस पे के लिए, बट ये तो मैच ही नहीं हो रही। और ये जो सूट मैंने स्टिच किया खाला का, ये उसकी चूड़ियाँ मंगाई है मैंने खाला की, उन्होंने कहा था। और ये जो मैंने मंगाई है ना, ये मैंने रात ही चांद रात के लिए अपना इसलिए सूट स्टिच किया था, तो उसका दुपट्टा ऐसा आया और वो प्लेन है मस्टर्ड कलर का ये रहा। तो मैंने ना इसे ओवरलॉक कराने भेजा था, क्योंकि मैंने खुद ही स्टिच कराया इसकी अम्ब्रेला बाजू सिलवाई है मैंने, तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, शाम में पहनूंगी तब दिखाऊंगी। और ये देखो इसकी चूड़ियों का सेट देखो मैंने कितना प्यारा मंगवाया है, क्योंकि मुझे चाहिए था ये वाला, मेरे पास था भी नहीं, तो ये लेकर आई हैं। और बाकी मम्मी मसाले वगैरह लेकर आई हैं बस, और कुछ नहीं लाई। सो गाइज मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब मंडी तक जा रही हूँ, तो अम्मी सब्जी लेने जा रही हैं, तो कुछ बनाएंगे हल्का फुल्का सही दोपहर के लिए। और पापा के लिए मैं कुछ लेकर आऊँगी मीठे में, तो वो भी आपको दिखाऊँगी, मतलब खाएंगे हम ही लेकिन लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पापा को मीठा बहुत पसंद है। और पापा को हम कभी कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, क्योंकि वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात होती है, क्योंकि ऑलवेज़ हमारे पापा हमारे लिए बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती इन चीज़ों को, ना मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मीठा लेकर आते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी अपने, अगर आपके फादर आपके साथ रहते हैं, हमारे तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जॉब की वजह से, अगर आपके साथ रहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ आज के दिन तो कुछ अच्छा सा शेयर कर दें, मीठा वगैरह खुद बना कर खिलाएँ या ला कर खिलाएँ, बाकी मैं तो करूँगी। चलो हम ही खा लेंगे, आप खा लेना वीडियो में से ही देख कर। तो चलो अभी चलते हैं बाहर, और बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी मैंने फर्श धोया है तो इसलिए। तो चलो गाइस बाहर गए थे और बेन तमाशा गर्मी है, सब्ज़ी वगैरह लेने गए थे, क्योंकि शाम को कुछ लाइट ही बनाएंगे। और मैं लाई हूँ समोसे, क्योंकि मेरे दोनों बहन भाई बहुत भूखड़ हैं, तो उनके लिए समोसे लाई हूँ। और जैसे कि मैंने बताया अभी आज फादर्स डे है, फिर देखें मैं लाई हूँ बालू शाही, मेरे पापा को बहुत पसंद है, ले सकिया खा ले, ठीक है। और ये भी मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो हैप्पी फादर्स डे पापा फॉर यू। सो गाइस नमाज हमने पढ़ ली है और बहुत सारी दुआएं मांगी क्योंकि आज हम हज कंप्लीट हुआ है, तो अल्लाह जितने भी हाजी गए थे और जिन्होंने भी दुआएं मांगी, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आए मेरी अम्मी भी हज पे जाए। और मेरे पापा तो खैर अभी वहीं पर ही हैं, उम्रा वो कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक दिन ऐसा आए कि वो उम्रा भी और हज भी सब कर लें। बाकी उन्होंने उम्रे कर लिए, 5 किए हैं, एक दिन वो अम्मी के साथ हज भी कर लें। तो बस अभी ना मैं आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ, मैंने प्रेस करके टांगा है और मैं हर चांद रात पे खुद से स्टिच करके कपड़े पहनती हूँ, तो ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया था, बहुत प्यारा स्टिच हुआ है, तो मैं अभी आपको पहन कर दिखाऊँगी। क्योंकि मैं नहा कर आई थी और नहाने के तुरंत बाद ही अजान हो गई, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई मगरिब की, क्योंकि घर में ना बार बार बकरा पेशाब कर रहा है, तो ऐसे मतलब गंदा सा हो रहा है घर, बार बार हम सफाई करते हैं, बार बार गंदा हो जाता है, तो मैं नहाने चली गई थी। चलो मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने ये स्टिच कर लिया है प्यारा सा, और ये अम्मी का एक सूट है ब्लैक कलर का, तो ये पचरंगी है, तो मैंने इसके साथ इसको मिला दिया है। और मैं आपको अपनी चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ, क्योंकि चूड़ियों के बिना तो मेरा लुक जो है ना इनकम्प्लीट सा रहता है। बाकी मैंने ये अभी कच्ची सिलाई उधेड़ी नहीं है अभी, मतलब इसको ख़त्म करती हूँ, तो मैं आपको अपनी चूड़ियाँ भी दिखाती। ये देखो गाइज मिक्स टू मैच हो रही है, तो बस मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम हैं अभी भी। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको पहन कर। सो गाइज दिस इज माय फुल लुक, मैंने इसके मुझे बहुत प्यारा सा ट्राउजर बनाया है, और ये मेरी अम्मी का दुपट्टा जो कि मिक्स एंड मैच हो रहा है मेरी चूड़ियों के साथ। तो कैसा लगा आपको मेरा चांदरा आउटफिट मुझे बताना। बाकी मैंने इसे खुद स्टिच किया है, और ये अम्ब्रेला स्लीव बनाई है इसके साथ में, और ये बिल्कुल प्लेन है क्योंकि इसका दुपट्टा मुझे ऐसा प्रिंटेड चाहिए था, तो मैंने इसका सूट प्लेन रखा है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, इसलिए मैंने अपने बालों को टाई किया है, बस चूड़ियाँ उतार देती हूँ क्योंकि ओवर लग रहा था, तो मैं रील्स बनाने के लिए पहन ली थी क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चूड़ियाँ। हम सफाई करते हैं ये पोटी करता है, हम सफाई करते हैं फिर ये पोटी करता है, फिर हम सफाई करते हैं फिर ये पोटी करता है, इसका बस यही चल रहा है, पोटी सफाई है ना, यही चल रहा है ना आपका, यही चल रहा है ना गुद्दे। ये देखो फिर पोटी कर दी इसने, और आज हमने इसको वॉश किया, मतलब सॉरी इसको नहलाया था हमने इसको, तो ये ठीक हो गया, चिकना मुकना हो गया। और अभी अम्मी बाहर गई थी, तो ये मेरी फुल लुक में ये पिन्नी उड़ रही है, यहाँ पर ला कर उन्होंने वो डाल दिया, तो ये अम्मी पिन्नियाँ लाई हैं क्योंकि गोश्त हमारा जो कुर्बानी का गोश्त है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी में हम करेंगे, तो इसलिए ये तैयारी हो रही है। बाकी तो खीर गाइस हम रात में बनाएंगे, तो अम्मी ने चावल वगैरह रात ही भिगो लिए थे, तो खीर जब बनाएंगे, और ये पता नहीं क्यों ये धागा नहीं काटा है भैया ने, तो जब ये पीको करी है आस्तीन में स्लीव्स में करवाई थी मैंने, क्योंकि ज़्यादा फिनिशिंग आती है अगर आप बाहर से कराते हो, तो इसे मोड़ते हो तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती, तो मैंने यही कराई थी देखो। और गाइस खीर हम बाद में बनाएंगे, और बाकी बहुत सारे काम हैं अभी, निमटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो अम्मी चादरें वॉश करके डाल रही हैं, तो बस हम दूध लाएंगे, दूध गर्म करेंगे, और अभी भी एक दो काम से मुझे बाहर भी जाना है, तो शायद जाऊँ तो शूट करूँ, मतलब शेयर करूँ आपके साथ। मैंने बाल टाई कर ली हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, मेरा मन कर रहा है चूड़ियों को उतार लूँ, बहुत हो गई फ्लोरबाजी, अब मैं ये चूड़ियाँ उतारने जा रही हूँ, और बस दुपट्टा पहन रहूँगी। वैसे गर्मी नहीं लग रही सूट में, तो अच्छा कपड़ा आई है, और ये भी मैंने उनकी शॉप से लिया था, जिन शॉप से मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग था मेरा, येलो कलर का सूट लिया था उससे ही, मैंने ये मस्टर्ड कलर का प्यारा सा कलर का सूट भी लिया था उन्हीं से, साफ सुथरा मेरी। और ये देखो वो क्या कर रहा है बाबू, ये अपने आप ही खेलता रहता है, और नोनी को दिखाती, नोनी सो रही है, नोनी तो सो रही, नोनी को कोई भी होश नहीं है, कोई भी होश नहीं है नोनी को, नोनी बेटी नोनी, मेरी बेटी नोनी, और मेरा बेटा नोनू, नोनी सो रही है, नोनी कह रही मुझे मत तंग करो, मुझे मत करो तंग अल्लाह के वास्ते, मैं सोना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा सोना चाहती हूँ, नोनी बात ही नहीं कर रही, वो बात ही नहीं करती किसी से, नोनी नोनी सोने देते हैं।
सो गाइज यहाँ आ गए थे हम बाहर और मैं ना दूध लेने गई थी अपने कज़न के साथ। तो भाई वहाँ पर तो गोंडा साइड पर भी मतलब ख़त्म हो गया था दूध, पता नहीं क्या हो गया था दूध वालों को, सारे दूध उन्होंने पहले ही से ही पैकेट भेज दिए थे सारे। तो बस फिर मैंने राम लड्डू खाए क्योंकि मुझे वो भैया दिख गए थे और उनके राम लड्डू ना बहुत अच्छे होते हैं। पर्सनली मैं बताऊँ मुझे कृष्णा नगर के राम लड्डू ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो तो अमेजिंग होते हैं, बट इनके भी ठीक होते हैं, ओके ओके होते हैं। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खा ली है, और मुझे ना बहुत ज़्यादा जब भूख लगने लगती है मैं खाने लगती हूँ। तो फिर यहाँ आ गए थे हम शेक पीने और यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। तो बस वो शॉपिंग बैग्स लेकर मैं बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी अपने शेक का, और गर्मी में कुछ खाते पीते रहना चाहिए क्योंकि वैसे ही बीपी इतना लो हो जाता है मेरा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी वाला कैंसिल करके अपना बटर स्कॉच वाला लिया था एक अपने कज़न के लिए, और मैंने तो चॉकलेट वाला लिया था फ्लेवर जो है मेरा। तो हम बस उसी का वेट कर रहे थे और बड़ी देर से आया था ये मैं शेक। भाई इतनी गर्मी लग रही थी ना यहाँ पर बैठ कर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और मेरा फेस देखो कितना डल लग रहा है इस टाइम पर। और उसके बाद मैंने अपना शेक जब पिया ना, ओ माय गॉड इतना यम था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा भी शेक भी ट्राई करके देख लूँ, तो उसने कहा हाँ ठीक है कर लो, बट पहले तो मुझे ये सेम ही लगे, लेकिन सडनली मैंने फिर अपना जल्दी से पिया, मैंने कहा नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है, मैं बच गई। मतलब सही था, दोनों अच्छे थे खैर, लेकिन मेरी चॉइस कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो बस फिर हम घर आ गए थे। भाई साहब इतनी गर्मी है ना बाहर, मतलब दिन में तो होती होती है और रात में भी इतनी गर्मी है, जैसे सूरज रात में भी निकल रहा हो। चलो दिन में गर्मी होती है वो बात अलग है, बट रात में क्यों यार, बस बारिश हो जाए ऊपर वाले। बाकी जितना था मैंने आपके सबर बोल देती हूँ मैं तो शेयर किया, और मेहंदी अभी मैं थोड़ी देर में लगवाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, और बस चलो थोड़ी देर में।